देहरादून में ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय सड़क हादसे का शिकार होने के बाद परिवहन विभाग सख्त हो गया है आपको बता दें कि ऑनलाइन फूड सप्लाई कंपनियों के डिलीवरी बॉय तेज बाइक चलाकर टारगेट पूरा करने के कारण हादसे का शिकार हो रहे हैं वहीं देहरादून में एक फूड डिलीवरी बॉय की मौत के बाद परिवहन विभाग ने कंपनी को अल्टीमेटम दे दिया है कहा है कि कंपनियों ने डिलीवरी बॉय को तेज गाड़ी चलाने के लिए बाध्य किया गया है और हादसा होने की स्थिति में कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी आर्चियों के द्वारा डिलीवरी बॉय को ट्रेनिंग दी जा रही है और देहरादून में करीब पंद्रह डिलीवरी बॉय कार्यरत है आर टी ओ परिवर्तन शैलेश तिवारी ने सभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की थी और कहा प्रेमनगर के पास फूड डिलीवरी बॉय की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी इसको लेकर फूड डिलीवरी बॉय की सुरक्षा के सभी इंतजाम ऑनलाइन फूड सप्लाई कंपनियों की ओर से किए जाए डिलीवरी बॉय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने और हेलमेट पर पीछे दिखते आवश्यक लगाए देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट आपने देखा होगा कि ढेर सारे डिलीवरी बॉय यहाँ काम कर रहे हैं जो फूड डिलीवरी बॉय हैं जो खासकर खाना होटलों से उठाते हैं रेस्टोरेंट से उठाते हैं और घर घर तक तो पहुँचाते हैं इनकी संख्या लगभग डेढ़ सौ दो हज़ार देहरादून शहर में है अभी बीच में दुर्घटना भी हुई थी आपने सही बताया बीच में दुर्घटना भी हुई थी और ये हमेशा रोड को यूज़ करते हैं ये क्या है दिन भर में दस बार रोड को यूज़ करते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है इसीलिए हम लोगों ने इनकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया ट्रेनिंग प्रोग्राम का पर्पस है कि इनको पता चल जाए कि कैसे गाड़ी को ड्राइव करना है रोड साइन के बारे में बताया जा रहा है फर्स्ट एड के बारे में बताया जा रहा है और दूसरी बात है कि इनको एक गेम भी इसमें खिलाए खिलाएंगे हम लोग जो भी है गेम के माध्यम से ही बताया जाएगा इंटरेस्टिंग वे में तो तीन से चार घंटे का हमारा प्रोग्राम है ट्रेनिंग का और काफ़ी ज़्यादा इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उत्साह के साथ